सो फ्रेंड्स, वैसे तो आज की इस वैकेंसी का अपडेट जो कि स्पाइस जेट का वॉक इन इंटरव्यू है, इसका अपडेट मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे ऑलरेडी डाल दिया था, लेकिन वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रही हैं, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक शॉर्ट छोटा सा वीडियो इसके बारे में बना जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में शायद डिटेल क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम का चैनल है, ये सब आप लोगों को हेल्प करने के लिए है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वेरी शॉर्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, मैं बात करूंगा स्पाइस जेट की वॉक इन इंटरव्यू के बारे में जो कि होने वाला है मुंबई में। आगे बढ़ने से पहले तीन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए जो फ्रॉड चलता है, जो पैसे मांगे जाते हैं, उनसे बचिए। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं, एयरलाइन खुद ही मना करती है। और जो अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, ये है वो ईमेल आईडी। अगर आपसे कोई स्पाइस जेट में पैसे की मांग करता है तो आप चाहें तो स्पाइस जेट में इस ईमेल आईडी पे कंप्लेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, चैनल अगर आपके काम का है तो सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इसी तरह के वेरी अपडेट्स मैं डेली रोज लेकर आता हूं। और पॉइंट नंबर थ्री, वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में आपको वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, जिसको कि अगर आपने फॉलो किया तो इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी जॉब पक्की हो सकती है। सो फ्रेंड्स, स्पाइस जेट की आज की ये जो वैकेंसी है, जैसा मैंने बताया, मुंबई में होने वाली है। इसके वॉक इन इंटरव्यू, ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस दोनों डिपार्टमेंट, दोनों वर्टिकल के लिए। सिक्योरिटी में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको एयरलाइन और बीसीएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपको सिक्योरिटी फंक्शंस बताए जाएंगे, जो आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, जिसमें कि आपको पैसेंजर उनके बैगेज की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, फ्रिस्किंग, बैगेज स्क्रीनिंग और अदर सिक्योरिटी फंक्शन करने पड़ते हैं। और अगर आप बात करेंगे कस्टमर सर्विस में, तो दोस्तों आपको पैसेंजर से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनके क्वेरीज को सॉल्व करना पड़ता है, टिकटिंग, बुकिंग, रिजर्वेशन, जिस किसी तरह का भी अगर इश्यू हो पैसेंजर को तो आपको उन्हें असिस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों बात करें अगर एज की, तो एज आपकी होनी चाहिए 18 to 27 years, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो थोड़ी सी बात शायद बन सकती है, ये आपको इंटरव्यू में जाने के बाद ही पता चलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, 6th semester, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इस वॉक इन इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। दोस्तों एयरलाइन का जो इंटरव्यू होता है, ये आपको मैक्सिमम होता है इंग्लिश में, तो इसलिए इंग्लिश में फ्लुएंसी जरूरी है, हिंदी भी आपको आनी चाहिए और आप फ्लेक्सिबल हो, किसी भी शिफ्ट में काम कर सके, कोई भी टफ सिचुएशन हो आप उसे हैंडल कर सके। और दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों अगर इस जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो सैलरी आपको मिलेगी वो अराउंड 18 to 20,000 के आसपास हो सकती है, ये मैंने आसपास बताया है। हो सकता है 20+ हो सकता है 20- हो, लेकिन अराउंड 20 के आसपास आपकी सैलरी यहां पे होगी, जो कि आपको हर साल बढ़ते रहती है एज पर योर परफॉर्मेंस, एज पर योर आउटपुट। सो फ्रेंड्स, 15th of June को ये जो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं मुंबई में, इसके लिए बीई, बीटेक, सीपीएल होल्डर जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अलाउड नहीं है, कंपनी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन वो लोग जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं, जैसा मैंने बताया, और अगर आप इसमें अपीयर होना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप डिटेल देख पा रहे हैं, जो एड्रेस टाइम देख पा रहे हैं, आपको चले जाना है यहां पर। और अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों आपका रिज्यूम बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, रिज्यूम के बेसिस पे बात स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, तो ऊपर आई बटन में जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप जाकर उस लिंक पे क्लिक करके जरूर चेक करें कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ मैंने वहां पर फ्री में रिज्यूम डाउनलोड करने का एक लिंक दे रखा है, वहां से रिज्यूम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अभी जो डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हैं, ये सारे वो डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, क्योंकि इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो अभी जो डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हैं, ये सारे आप डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप एब्सेक स्क्रीनर या फिर लोड एंड ट्रिम का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। और अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी के लिए। दोस्तों इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी जो आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, ये है वो बेसिक क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में बनाकर दे रखा है। सो फ्रेंड्स, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो को देखिए और एयरलाइन एयरपोर्ट के फ्रॉड से बचने के लिए राइट वाले वीडियो को देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।